खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस सीए प्रकोष्ठ की मांग, आयकर विभाग व्यापारियों को ना बनाया जाए टारगेट। आयकर विभाग संवेदनशीलता के साथ में अपना कार्य करे, 2 साल तक सर्वे और सर्च पर रोक लग जानी चाहिए। साथ ही में एडवांस आयकर की वसूली पर भी उन्हें छूट मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि 133 और 148 धारा के नोटिस से भी उन्हें राहत मिले, ये मांग की गई। कांग्रेस सीए प्रकोष्ठ अध्यक्ष विजय गर्ग ने ये सारी मांगे उठाई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी बीके शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीके, कांग्रेस ने ये मांगे उठाई है सीए प्रकोष्ठ के लिए, क्या तमाम अपडेट है आपके पास? यह पिछले समय से जिस तरह से लोगों के उद्योग और व्यापार ठप है, का रोजगार नहीं है, लेकिन आयकर विभाग की ओर से लगातार व्यापारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं आयकर जमा कराने के और रिटर्न जमा कराने के जी। इसको लेकर यहाँ कांग्रेस के सीए प्रकोष्ठ की ओर से अध्यक्ष विजय गर्ग ने ये ज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र भी लिखा है और इसमें कहा गया है कि आयकर विभाग व्यापारियों को टारगेट ना बनाए। जिस तरह से आयकर विभाग को सरकार ने अंदरूनी तौर पर अपने इनकम के टारगेट तय किए हैं कि इतना पैसा आयकर विभाग इकट्ठा करके और सरकार को दे, इस तरह के टारगेट को पूरा करने के लिए व्यापारियों को टारगेट ना किया जाए जी। और ये भी कहा गया है कि आयकर विभाग संवेदनशीलता के साथ काम करे, जो गैर कानूनी तरीके से यदि आय के स्रोतों की जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ ही कार्यवाही करें, लेकिन जो सामान्य तरीके से जो व्यापार करने वाले व्यापारी हैं उनको परेशान ना किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सर्वे और सर्च जहाँ पर नोटिस देने के बाद जहाँ पर छापे पड़ते हैं और छापे में जहाँ पर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहाँ पर सर्वे किया जाता है और यदि उनके निवास और दूसरे प्रतिष्ठानों को भी इसमें शामिल किया जाए तो वहाँ सर्च किया जाता है आयकर विभाग की ओर से। इतने सर्वे और सर्च पर भी 2 साल तक पाबंदी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि फिलहाल लोग बहुत ही मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, खासतौर से उद्योग और व्यापार। तो इस तरह से जो नोटिस एक धारा 133 और 148 के तहत नोटिस दिए जाते हैं व्यापारियों को, उस पर भी रोक लगाने की ये प्रकोष्ठ की ओर से मांग की गई है। जयती जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।